यूपी के रायबरेली में मंगलवार रात लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां मोरंग से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर चलती कार पर पलट गया। इससे कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में पति पत्नी 2 बच्चे भी शामिल है। जेसीबी से कार को बाहर निकालकर घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही एसपी भी मौके पर पहुंच गए। यह हादसा भदोखर थाना क्षेत्र के कृपालू इंस्टीट्यूट के पास हुआ। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर रायबरेली प्रयागराज हाईवे पर बाबा का ढाबा है। राकेश अग्रवाल पत्नी सोनम अग्रवाल और अपने बच्चों रियांश और रईसा के साथ ढाबे पर खाना खाने गए थे। उनके साथ छोटे भाई रचित अग्रवाल और पत्नी रुचिका अग्रवाल और उनके दोनों बच्चे आदित्य और तांसी भी थे। सभी खाना खाकर अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी भदोखर थाना क्षेत्र में मोरंग से भरा ट्रक अचानक कार पर पलट गया। इससे कार के परखच्चे उड़ गए, पूरी कार ट्रक के नीचे दब गई। आसपास के राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई। जेसीबी की मदद से कार सवारों को बाहर निकाला गया। सभी को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में राकेश अग्रवाल और पत्नी सोनम अग्रवाल, इनके बच्चे रियांश राइसा और रचित अग्रवाल की पत्नी सोनम अग्रवाल शामिल है। वहीं रचित अग्रवाल और इनके दोनों बच्चे आदित्य और तंसी घायल हैं। डॉक्टरों ने बताया कि 8 लोगों को भदोखर की पुलिस लेकर इमरजेंसी में आई थी, जिसमें से 5 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हैं, जिनकी हालत सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है।